तो कैसे हो भाई लोग। जी हाँ गाइस, यार स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। तो यार पहले तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको तीन चीजें बता देता हूँ, वो ध्यान से सुन लेना फिर वीडियो देख लेना, वरना आपका पबजी अकाउंट जो है वो अनबैन तो हो गई नहीं पहले रीजन की वजह से, और बाकी जो दो रीजन है वो यार आपके फायदे के। तो मैं आपको बता दूं, देखो फर्स्ट रीजन ये है कि आप लोग पूरी वीडियो देखना, जो मैंने तरीका बताया है उसी तरीके से करना, आपका पबजी मोबाइल अकाउंट BGMI के अंदर 101% जो है वो अनबैन हो जाएगा, ठीक है। सेकंड चीज ये है कि भाई इस वीडियो के अंदर 75 रुपीज का और 60 UC का रिडीम कोड है, गूगल प्ले वाउचर का प्रोमो कोड है, वो आपको वीडियो के मिड में कहीं भी मिल जाएगा। तो आप एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यार वो 60 UC जीत सकते हैं और गूगल प्ले वाउचर में रिडीम कर सकते हैं जाने के बाद, ठीक है। और थर्ड चीज है भाई, रॉयल पास का गिव अवे चल रहा है, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके ऊपर आई बटन पे लिंक करके वीडियो देख सकते हैं, रॉयल पास गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बताया था कि भाई अगर कोई भी बंदा T3, T2, T1 स्क्रिम्स खेलना चाहता है, टूर्नामेंट्स खेलना चाहता है, तो वो भी यार अपना डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डेली T3, T2 के कस्टम रूम्स होते हैं, तो जल्दी से फटाक से ज्वाइन कर लो जिनको भी स्क्रीम्स खेलनी है और टूर्नामेंट्स खेलने हैं, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं भाई अनबैन कैसे होगी आपकी आईडी, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका है। अभी अगर आपकी आईडी अनबैन हो गई तो हो जाएगी, वरना फिर बाद में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो भाई यार अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई देखो यार, सबसे आसान तरीका है सबसे पहले अपना गेम लॉगिन करना। गेम लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जो आपका ये ऑप्शन आता है नोटिस, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इसका एसएस लेने के बाद आपको सीधा फाइल क्लेम के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग फाइल क्लेम के ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना, आपके सामने सिंपल एक ऐसा मैसेज आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन लिखा आएगा, ठीक है। उस पर क्लिक करने के बाद सीधा आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर भाई कुछ नहीं है, यहाँ पे आप लोगों को अपनी ईमेल आईडी डालनी है बस, ठीक है। जो भी ईमेल आईडी जिस पे आपके पास मेल आए, जो क्राफ्टन वाले आपसे कांटेक्ट कर पाए, आप लोगों को सिर्फ वो वाली मेल डालनी है, ठीक है। उसके नीचे इश्यूज में आएंगे, इश्यूज में आपको क्लिक करना है रिपोर्ट्स एंड बैन, ठीक है। नीचे वाला जो इशू वाला कॉलम है उसके अंदर आप लोगों ने क्लिक करना है अनबैन रिक्वेस्ट, ठीक है गाइस। इसके अलावा कुछ चीज नहीं छेड़नी है आप लोगों को, और नीचे आप लोगों ने मैसेज टाइप करना है, जो मैसेज मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे आप लोग एक बार देख लो, और स्क्रीनशॉट भी आप इस मैसेज का ले सकते हो। मैं यहाँ पे एक बार स्क्रीनशॉट दे भी देता हूँ, और आप लोग भी चाहते हो यार पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि आप लोग यही सेम मैसेज जो है वो टाइप कर पाए, ठीक है। ये सारी चीज होने के बाद स्क्रॉल करेंगे नीचे आएंगे तो यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने वही वाला स्क्रीनशॉट जो हमने स्टार्टिंग में लिया था नोटिस वाला, कि आपका अकाउंट बैन हो चुका है 10 साल के लिए या 5 दिन के लिए 10 दिन के लिए जो भी है, वो वाला स्क्रीनशॉट आप लोगों ने यहाँ पे अपलोड करके यहाँ पे ओके कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज आप लोग देख सकते हैं, ओके करने के बाद मेरे पास ऊपर पॉपअप आया है। तो गाइज इसके बाद आप लोगों ने कुछ नहीं करना मेरे भाई, इसके बाद आप लोगों के सामने जो है ये वेरीफाई करने के लिए पजल्स शो हो जाएंगे, 5 पजल होंगे, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों ने सिर्फ जो करेक्ट पिक्चर होगी ना उसी पे आप लोगों ने क्लिक करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, सब कुछ यहाँ पे मेरे मेरे है भाई, ठीक है। तो जो और मतलब समझ रहे हो, उल्टे सीधी बात है मत सोचना। तो आप लोगों ने और कोई भी और एनिमल शो हो सकता है, तो आप लोगों ने करेक्ट पिक्चर पे जो है वो क्लिक करना है। तो आप लोग यहाँ पे वेरीफाई हो जाओगे कि आप लोग बोट नहीं हो भाई, इंसान ही हो, ठीक है ना, प्लेयर हो, जो नॉर्मल प्लेयर हो, कोई बोट वोट नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ वेरीफाई होने के बाद सिंपल आप लोगों ने ओके पे क्लिक कर देना है, और डायरेक्ट आप लोगों के सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, पॉपअप आ जाएगा कि गाइस थैंक यू फॉर कॉन्टेक्ट अस। तो मेरे पास यहाँ पे जीमेल पे मेल भी आ चुकी है, यहाँ पे आप लोग मेल दे सकते हैं। आप लोगों के पास भी ये मेल आएगी फर्स्ट टाइम, ठीक है, 90% चांस है कि फर्स्ट टाइम आएगी। 10% है कि आप लोगों ने अगर कुछ भी GFX टूल तक यूज नहीं किया है तो आपके पास सीधे के सीधे वो मेल आ सकती है जो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए ये वाली सेकंड मेल है, ये आपके पास आने के चांसेस है अगर आप लोगों ने कुछ भी GFX टूल यूज नहीं करा है, किसी हैकर के साथ नहीं खेला है, तो आपके पास ये वाला मेल आ सकता है। अगर ये वाला मेल नहीं आया और फर्स्ट वाला मेल आया जो मैंने आपको दिखाया था कि सॉरी टू हियर यू और हम लोग ऐसा नहीं कर सकते ये वो क्राफ्टिंग साइड से, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था, और उससे भाई हजारों बंदों का अकाउंट जो है वो अनबैन हो चुके हैं, ठीक है, उस वीडियो में जाके आप लोग देख भी सकते हो। तो वही तरीका है सेम टू सेम, और ये तरीका कुछ लिमिटेड टाइम के लिए है, ठीक है। आने वाले टाइम में मुझे पता नहीं कि होगा नहीं होगा, लेकिन इस तरीके से जो है वो बहुत, मेरे पास इंस्टाग्राम पे DMs भी आ रहे हैं कि सर इस तरीके से मैंने अपनी आईडी अनबैन कर ली है, क्योंकि मैंने भी एक महीने पहले भी BGMI में पबजी आईडी अनबैन करने की वीडियो बनाई थी, तो वो वीडियो जिन सब्सक्राइबर्स ने देखी है, ठीक है, तो उन लोगों ने मेरे को DM करा कि सर हमने 4-5 बार किया था तो हमारे पास ये वाली मेल आई थी, ठीक है, तो हमारा आईडी जो है वो अनबैन हो चुकी है। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपके पास फर्स्ट टाइम ये वाली मेल आती है तो आप लोगों ने 4-5 बार, ठीक है, एक दिन के अंदर ये वाला प्रोसेस रिपीट करना है। रिपीट करोगे ना, रिपीट करने के बाद मैं सही बता रहा हूँ, अभी कुछ टाइम तक के लिए है ये चीज, क्योंकि
अभी इनके पास इतना एंटी चीट सिस्टम भी नहीं है, तो हो सकता है कि आप लोगों को ये सोच के कि यार ठीक है मतलब कुछ किया नहीं होगा, कोई चीज़ कोई हैक्स यूज नहीं की होगी, क्योंकि डेटा इतना प्रॉपर नहीं है अभी तक BGMI वालों के पास। तो हो सकता है कि सबका अकाउंट जो है वो इस तरीके से अनबैन हो रहा है और हो जाएगा, ठीक है। तो यही तरीके की 4-5 बार आपको सेम प्रोसेस करना पड़ेगा जब तक आपके पास ये वाली मेल नहीं आती जो एग्जैक्ट मेल है कि आपका जो अकाउंट है वो अनबैन और रिकवर हो चुका है, ठीक है। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आई हो ना तो यार बिल्कुल यार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो यार अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो भाई बस वीडियो में इतना ही था यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।